भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा जिला प्रयागराज के जिला उपाध्यक्ष के ऊपर जानलेवा हमला और मौजूदा सरकार की मौजूदगी में मौजूदा पदाधिकारी के मकान पर कब्जा करने की कोशिश की। जब मौजूदा सरकार में इनके अपने ही पदाधिकारी मौजूदा सरकार की गाइडलाइन के बाद पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है तो अंदाजा लगाइए सरकार की आम जनता का क्या हाल होगा। आइए दिखाते हैं हसमतुल्ला की इस खास रिपोर्ट में। बताएं सर, ये जो आपके ऊपर हमला हुआ क्या वजह थी और क्या कारण थे जिसके ऊपर आपके ऊपर हमला हुआ? घर पे आपके कहने के अनुसार तमाम लोग आए। मैं सैयद मेहताब हुसैन भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चे से बोल रहा हूँ। कल रात 9:50 पे हमारे ससुर बाकर अब्बास नकवी और उनके पुत्रों मंदर अब्बास बबलू, दूसरे पुत्रों अकबर अब्बास गुड्डू और उनके दो साथी शिबू, मैं दूसरे का नाम नहीं जानता, इन लोग आए थे। वो शिबू जो रहता है पहलवान चौराहे पर रहता है, इन्होंने आके हमको धमकी दी है, बद्दी बद्दी गालियाँ दी और इन लोग सब पिस्टल लगाए हुए थे कि साले मकान खाली कर दो नहीं तो मैं तुमको जान से मार दूंगा, तुम्हारे ऊपर तेजाब डाल दूंगा और तुमको पूरी जिंदगी तुम्हारी यहाँ से तबाह कर दूंगा, सरबा से मकान खाली कर दो। और ये लोग भू माफिया हैं और दरियाबाद से लेके पूरे इलाहाबाद तक कब्रिस्तान की जमीन और कब्रिस्तान की दुकानें होगा इसको मिल के जो मुतवली है उसकी भी बात को नहीं मानते हैं, मुतवली भी इनसे डरते हैं और आम जनता भी इनसे डरती है। ये लोग भू माफिया टाइप के हैं, काफ़ी क्रिमिनल टाइप के हैं और सन 1985 और 84 में इन्होंने एक लड़के का मर्डर भी कराया था हमारे ससुर ने, उसका केसेस चल रहा है। ये 6 महीना जेल में भी रहे हैं हमारे ससुर साहब और ये हमारा मकान हथियाना चाहते हैं और वाइफ को 1.5 साल से बैठाने हुए हैं नेके में, जिसका विचाराधीन मुकदमा कोर्ट में चल रहा है और आके काफ़ी धमकियां दी हैं हमको कि मकान सराफा से खाली कर दूंगा, मैं तुमको जान से मार दूंगा, इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। जब हम आम आदमी समझिए मुझे, मैं तो बीजेपी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और आम पार्टियों के साथ भी ये किया करते हैं और ये सापाई हैं पक्के, ये बीजेपी के पक्के दुश्मन हैं और काफ़ी माफिया भू माफिया से उनका जुड़ा हुआ है। और कल गद्दी लोग इनके साथ में 8-10 गद्दी लोग से पिस्टल लगा के आए थे, ये दबंगी लोग हैं, हमारे जान माल का खतरा है, हमारी हिफाजत की जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, FIR की जाए। उस समय तत्काल आपने क्या पुलिस को सूचित किया था? पुलिस को मैंने सूचित किया, 100 डायल किया मगर पुलिस उस टाइम नहीं आई। रात भर मैं उलझन में बेचैनी में रहा, सुबह मैंने तत्काल अपने वकील से मिल के इनके खिलाफ SSP सिटी और SSP साहब को, DM साहब को और CM साहब को मैंने रजिस्ट्री कर दी है, इनके खिलाफ एप्लीकेशन भेज दी है। रजिस्ट्री के अलावा पुलिस से आपको और कोई सहायता अभी तक मिली? अभी तक मुझे कोई सहायता पुलिस से नहीं मिली है। कल इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है थाने में, कल मैं जाके उनसे मिलूंगा, उनसे बात करूंगा जाके।